राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सनराइज दीवा पे। तो कैसे हैं आप सब? और आज हम जो कथा सुनने वाले हैं वो है कथा छठी कथा। छठी नवरात्रों की छठी कथा में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये है माता जी। बिल्कुल सही समझा आपने, आज हम पढ़ने वाले हैं कात्यायनी माता की कथा। कात्यायनी माता की कथा कुछ इस प्रकार से है कि उनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, ये सारे रूप पार्वती माता के ही हैं। तो कात्यायनी माता का नाम इसीलिए कात्यायनी पड़ा क्योंकि एक कात्यायन नाम के ऋषि थे जो कि पार्वती को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे, और वो उसको उनको पाने के लिए, उनको अपनी पुत्री बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास करते हैं। जंगल में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते समय वो इतना निवृत्त हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनमें ध्यान मग्न हो जाते हैं कि कब कितना समय बीत जाता है उनको पता ही नहीं चलता। और इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें दर्शन देती हैं काफ़ी। जब कात्यायन थे वो जब उनकी पूजा कर रहे थे तो इतनी वर्षा होती है, शीत ऋतु आती है और ठंड का गर्मी का समय आता है, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं पड़ता और वो अपनी पूजा में मग्न होते हैं। तो फिर इस बात से पार्वती माता बहुत प्रसन्न होती हैं और वहाँ पर प्रकट होती हैं और कहती हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो कात्यायन कहते हैं कि हे माता, मुझे आप जैसी पुत्री चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी मतलब आप जैसी पुत्री चाहिए। तो वो कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो भी तुमने ये पूजा की है, अर्चना की है और इतना मन लगा के मेरी जो तुमने आराधना की है, तो इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और मैं ज़रूर तुम्हारे घर दर्श बेटी बनकर आऊँगी। और फिर वो पुत्री के रूप में उनके घर पे जन्म लेती हैं। और जब उनके घर पे जन्म लेती हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। वो वहाँ पे क्यों जन्म लेती हैं? क्योंकि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों सबको परेशान कर रखा था, और उसको मारने के लिए उनका जन्म होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उन्हें ना महेश मार सकते थे, ना विष्णु, ना ब्रह्मा। लेकिन जैसे कात्यायन थे तो उनकी जो बेटी का नाम पड़ा वो तायनी पड़ा। तायनी इसलिए क्योंकि कात्यायन उनके पिता का नाम था। और फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सबने मिलकर उनको अपने अस्त्र शस्त्र दिए। विष्णु ने अपना चक्र दिया, भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल दिया और ब्रह्मा ने अपनी सिद्धि बुद्धि सब प्रदान की, लड़ने की शक्ति की, कैसे लड़ना है। तो जिस सारी शक्तियों के साथ जब वो उसके को मारने के लिए गई तब वो महिषासुर कहीं का नहीं रहा। कहते हैं ना शक्ति शक्ति का रूप, इसलिए कहते हैं कन्याओं को, महिलाओं को आप उनका अपमान मत कीजिए क्योंकि वही सब कुछ करने वाली वही है। इतने बड़े महिषासुर को कोई भी भगवान नहीं मार पाए, कोई भी देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं मर पाए, लेकिन तीनों की शक्तियों के साथ, तीनों की शक्तियां मिल गईं तो फिर उन्होंने उस महिषासुर का वध किया सारी शक्तियों को मिला के। तो ये थी हमारी कात्यायनी माता की कथा। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। राधे राधे।